I'm Dr. Sharda Jain. आज हम फिर डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे. बहुत सारे लोग डिप्रेशन से परेशान हैं. लेडीज इन्हें, जेंटलमैन भी परेशान. नाउ डिप्रेशन होना स्वाभाविक है. काम धंधे बंद हो गए हैं तो कामकाजी आदमी परेशान है, किस तरह किराया दिया जाए, किस तरह से घर का खर्चा चले, किस तरह स्टाफ को सैलरी दी जाए. एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये जो अभी रीसेंट का जो डिप्रेशन है उसको आराम से बाहर आया जा सकता है. इसमें अच्छे मित्र लोगों की जरूरत है जो कि उनको एक चीज बताएं कि हम उनके साथ हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. उनको ये बताएं कि उसकी एक ही एंटीडोट है कि आप बिजी रहें, बिजी रहें, बिजी रहें. सकारात्मक चीज में अपने आप को जोड़ना. खाली आपने आश्वासन ही नहीं देना, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको बाहर निकालना है इस डिप्रेशन में. छोटे छोटे काम में उनको लगाएं और फिर उनको शाबाशी दें. यही हमने करना है. मैंने डजन्स डॉक्टरों को बाहर निकाला, डजन्स फैमिली मेंबर्स को बाहर निकाला जो कि सडनली डिप्रेशन के शिकार हो गए. नौकरी चली गई, नौकरी खो दी, या काम धंधा शुरू किया, नहीं काम हुआ. उसमें आपने इनको लगाना है सकारात्मक. इतिहास उन्हीं को याद करता है जो इंसानियत की मदद करते हैं. जो आदमी नीड में हो, जो व्यक्ति नीड में हो, उसकी मदद करें. आइए एक सुंदर सा समाज बनाए जिसमें हम एक दूसरे को पकड़े. और इन सब में ये जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनको सुसाइड करने में टाइम नहीं लगता. तो उनके जो भी लक्षण हैं जो कि जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे उसको हमें ध्यान रखना है. चार लोगों को बोलना है कि हमने इनको इन लक्षण के लिए वापस करिए. दिन में चार बार कॉल करना है उनको और देखिए, और छोटी छोटी बातों से उनको उनका प्रोत्साहन करिए. यही सब चीज करेंगे तो वो अपने आप ही इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे. और मित्र और परिवार के लोग ही इसको कर सकते हैं. तो चलिए मिलकर ये काम करते हैं.